जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। 1.4 स्टार्ट करने के पहले हम थ्योरम 1.6 देखेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। और इसी थ्योरम के बेस पर हमारा 1.4 हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है लेट एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि एक्स क्या है, एक्स बराबर क्या है, पी अपॉन क्यू है, जो एक रैशनल नंबर के फॉर्म में है। सच डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड 5n। यानी इसमें जो q का यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में है, 2m और 5n के फॉर्म में है, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। जो पावर होंगे वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, कभी निगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। जब इस टाइप का आपको मिल गया, अगर क्यू का एक्सपेंशन फॉर्म इस टाइप से हो, देन एक्स हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। जो एक्स के पास, एक्स क्या है, हमारा रैशनल नंबर जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 100% क्या होगा, वो टर्मिनेट्स होगा। क्या होगा, टर्मिनेट। यानी हम विदाउट लॉन्ग डिविजन किए हुए हम बता सकते हैं किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। क्लियर हो गया थ्योरम 1.6। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से। लेट एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यानी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इसको रैशनल नंबर हमने मान लिया है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m 5n, यानी उसका जो प्राइम फैक्टर है किसका, क्यू यानी क्या, डिनोमिनेटर का, इस फॉर्म में है। और पावर क्या है, जो m और n पावर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, विच टर्मिनेट, एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 15 अपॉन 50, क्लियर। अब इसको हमको बताना है कि बिना लॉन्ग डिविजन किए हुए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। इसको बताने के सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे, एंड प्राइम फैक्टर किससे करेंगे, डिनोमिनेटर का, क्लियर। या प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाला भी डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, देन वी गेट रिमाइंडर 1 1 0 10 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 5 1 जा 5। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 5 into 5, यही मिला। यानी वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 2 into 5 to the power 2, वाई, बिकॉज 5 is 2 times, एंड वी कैन राइट 15 upon 2 into 5 to the power 2। अब यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो 1 तो है ही, कुछ पावर नहीं है तो क्या है, 1 तो है। अब हमने क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर 2m और 5n के फॉर्म में होगा, m और n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, तो 100% उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर देखना चाहो तो लॉन्ग डिवीजन करके भी चेक कर लेते हैं कि सच में ऐसा होता है क्या। तो 15 divided by 50, अब देखो 50 के टेबल में तो 15 आएगा नहीं, तो हम एक डेसिमल अगर हम देंगे तो एक जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 3 जा 150, रिमाइंडर जीरो आ गया, एंड पूरे पूरे कट हो गए। जब रिमाइंडर जीरो आ गए तो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन,
तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर, इसी थ्योरम के बेस पर हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन ठीक है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक 13 फर्स्ट ले लेता हूँ 1 to 5, फिर थर्ड वन में ले लेता हूँ 64/4 5 ठीक है, और एक फोर्थ वन ले लेता हूँ 15/16,000। ये 3 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और सबसे पहले फर्स्ट वन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया क्या हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमको डिवाइड बिना किए हुए स्टेट यानी समझाइए वेदर द फ्लोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग, किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या टर्मिनेटिंग है और किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमको विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे हेल्प थ्योरम 1.6 का जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। तो क्या है हमारा डिनोमिनेटर 3125। क्लियर। अब यहां पर देख रहे हो ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, व्हाई, बिकॉज इट इज ऑड नंबर। तो 3 से देख चेक कर लेते हैं 3 1 4 4 2 6 6 5 11, चार डिजिट का सम्स क्या 11 आ रहे हैं, 3 11 आते नहीं है यानी 3 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 5 से देखेंगे 5 6 13,
वन रिमाइंडर, वन टू 12, तो 5 टू जा 10, टू रिमाइंडर 2 5 25, 5 5 जा 25, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम 5 से फिर डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 5 वन जा 5, वन रिमाइंडर 1 टू 12, 5 टू जा 10, टू रिमाइंडर 2 5 25, 5 5 जा 25, क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 5 टू जा 10, टू रिमाइंडर 2 5 25, 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5 5 जा 25, अब 5 वन जा 5, एनी डाउट? यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं कैसे, 13 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं, 5 हो गया, क्लियर? यानी वी कैन राइट 13 अपॉन 5 के द पावर 5, 1 2 3 4 5 एंड 5 रेज टू द पावर 5 हो गया हमारा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 के पावर अगर मैं 0 दे दूँ तो कोई दिक्कत? क्योंकि जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है? और 1 में किसी चीज़ मल्टीप्लाई करने में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इससे क्या पता चल गया कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, इस फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? कौन से फॉर्म में? 2 के द पावर एन और 5 के द पावर एन के फॉर्म में। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है तो हमारा डेसिमल एक्सटेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं इसको क्लीन थोड़ा कर दे रहा हूँ। हेयर क्या है, डिनोमेटर हमारा कितना है यहाँ पर? तो डिनोमेटर हमारा 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? जब इस फॉर्म में आ गया तो हम क्या लिखेंगे इसको, विच इज द फॉर्म, क्या विच इज द फॉर्म, किस फॉर्म में है हमारा, विच इज द फॉर्म 2 की द पावर m इंटू 5 की द पावर n, ठीक है? यहां तो कोई डाउट किसी को, विच इज द फॉर्म 2 की द पावर m और 5 की द पावर n, और m और n क्या हमने बताया था थ्योरम में क्या है, और m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों क्या है, जीरो तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, फाइव भी पॉजिटिव है। यहाँ पर लिखेंगे एंड एम एंड सॉरी एम एंड एन एम एंड एंड सॉरी एम एंड एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? यानी अब हम वी कैन से दैट 13 अपॉन 3125 विल हैव, क्या होगा जब इस फॉर्म में आ गया तो क्या विल हैव, किस टाइप का टर्मिनेटिंग सॉरी किस टाइप का डेसिमल एक्सटेंशन होगा? तो जब भी इस टाइप, अगर डिनोमिनेटर इस टाइप के फॉर्म में होगा तो विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर? कोई डाउट? ये क्वेश्चन हमने यहां पे किया, उसके बाद हमने लिखा कि हेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू इतना, विच इज द फॉर्म 2 की पावर एम और 5 की पावर एन एंड एम एंड एन
आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जब इस फॉर्म में है तो वी कैन से डैट डैट डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ डैट रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड आप सेकेंड वन आपके लिए है, आप उसको खुद से सॉल्व करोगे सेकेंड वन। थर्ड वन हमारा है 64/455। अब इसको भी बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें बताना है। फिर वही मेथड, हम पहले डिनोमेटर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। यहाँ पे देखो 5 4 9 9 5 14, क्या 14 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 जा 45 5 1 जा 5, ठीक है। फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यानी वी कैन राइट 5 × 7 × 13। क्लियर। यहाँ तो किसी को डाउट? अब यहाँ पर क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में नहीं है यानी 2 और 5 के अलावा, या तो ओनली 2 के पावर के फॉर्म में होना चाहिए या ओनली 5 के पावर के फॉर्म में होना चाहिए, यानी केवल 2 इस फॉर्म में हो या केवल इस फॉर्म में हो या दोनों के फॉर्म में हो, यानी 3 कंडीशन में टर्मिनेटिंग होता है, यानी केवल इस फॉर्म में हो तो भी, या केवल 5 के फॉर्म में आ जाए तो भी, या दोनों के फॉर्म में आ जाए तो भी। इस तीनों कंडीशन में डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा, ये तीनों कंडीशन में। और इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया, दूसरा इंटीजर्स आ गया किसी के पावर फॉर्म में, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो जाएगा। तो वही यहाँ पर देखो क्या हो गया, 5 के अलावा 2 न्यू मेंबर मिल गए, कौन, 7 और 13, यानी ये गेस्ट है, गेस्ट आ गए, समझ लो एक तरह से गेस्ट समझ लो, ये फैमिली मेंबर है और इसके अलावा जो भी आएंगे सब गेस्ट होंगे। जब भी गेस्ट आ गए यानी वो टर्मिनेटिंग ना होकर के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट नॉट द फॉर्म, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, इज ऑफ द फॉर्म कर लो, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, ओके, तो देयरफॉर is not in the form of n, and m and n are non negative integers, m and n are non negative integers, ठीक है, यानी केवल इस फॉर्म में नहीं है, बाकी m और m तो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, 5 के पावर m और 2 के पावर m के फॉर्म में नहीं है,
यानी ये हमारा क्या होगा, देयरफॉर इतना 64 अपॉन 455, ठीक है, will have a non-terminating repeating decimal expansion. Answer हो गया हमारा. क्या denominator is not of the form 2 to the power m or 5 to the power n and m and n are non-negative integers, therefore 64 upon 455 will have a non-terminating repeating decimal expansion. जब इस फॉर्म में नहीं है यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, तो non-terminating repeating के फॉर्म में होगा. तो आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर हो गए. एक और इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ बना रहा हूँ. बाकी जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी बाकी के टेन तक क्वेश्चन है, यानी ऑल थ्री मैंने दो सॉल्व कर दिए, एक और सॉल्व करने जा रहा हूँ. उसके बाद बाकी के सेवन बचे आपको खुद से करके देखने हैं. काफ़ी इजी क्वेश्चन है फोर्थ वन. 15 अपॉन 1600. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1600 का प्राइम फैक्टर करेंगे साइड में. क्या होगा, 2 8 16 00, 2 4 8 00, 2 2 4 00, 2 1 2 00, 2 5 10 00, 2 2 4 2 5 10 5 5. क्लियर, यानी वी कैन राइट 1 2 3 4 5 6, यानी 2 to the power 6 into 5 to the power 2 लिख सकते हैं ना. 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 and 5 to the power 2. अब लिखेंगे वही स्टेटमेंट हमारा होगा. अब मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ. Here, denominator क्या है हमारा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 to the power 6 और 5 to the power 2 है. Here, डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 to the power 6 और 5 to the power 2 के फॉर्म में है. तो Which is the form? Which is the form? किस फॉर्म में है, 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में है. And m and n, which is the form 2 to the power m into 5 to the power n, and m and n are non-negative integers. Non-negative integers, ठीक है. तो therefore we can write 15 upon 1600 will have a terminating decimal expansion. ठीक है, here denominator is इतना, which is the form of 2 to the power m and 5 to the power n, and m and n are non-negative integers. Therefore, we can write 15 upon 1600 will have a terminating decimal expansion.
आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के क्वेश्चन जितने भी हैं आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स ए इन क्वेश्चन वन। अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दो रेशनल नंबर, उस रेशनल नंबर्स का इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किए आपको, जिसमें हम लोग फाइंड आउट किए हैं कि किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और किस किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो उसमें से जिस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उस रेशनल नंबर का बिना डिवाइड किए हुए हमको डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखलाना है, किसमें, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है। तो उसमें से जैसे हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, टर्मिनेटिंग हमारा आया था, ठीक है, और एक जो मैंने बताया था उसमें से देख ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हमारा आया था टर्मिनेटिंग। अब देखो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर पहले करेंगे क्या, प्राइम फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर का 3125। 3 1 4 4 2 6 5 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, 4 से देखना ही नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है, 5th से देखेंगे, लास्ट में 5th है तो 5th से डिवाइड हो ही जाएगा। 5 6 30, 1 कैरी ओवर, 1 2 12, 5 2 10, 5 3 25, क्लियर। फिर वी कैन राइट 5 1 5, 5 2 10, 5 3 25, फिर 5 2 10, 5 3 25, फिर 5 1 5, फिर 5 1 5। कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ पे लिखने के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 की रेज़ द पावर 5 हम लिख सकते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, लेकिन अब इसको हमको डेसिमल एक्सपेंशन यानी बिना डिवाइड किए हुए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम एक क्या, जैसे कि हम रियल लाइफ में कोई चीज़ आपको मैं पेन दे रहा हूँ, तो जैसे मैं ये दे दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है, और तो मतलब कि देने के बाद कुछ नहीं बचता है यानी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में हम कोई चीज़ देकर हम ले ले तो कोई डिफरेंस नहीं आता है और उससे हमें क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर 10 या 10 के पावर के फॉर्म में आ जाए, यानी 10 हो या 10 के 100 हो या 1000 हो, तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो इजीली बता सकते हैं। यानी 10 की रेज़ द पावर एक्स के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में होना चाहिए, 10 की रेज़ द पावर एक्स के फॉर्म में,
वेयर एक्स इज अ सम इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है यहाँ पर एक्स, यानी इस फॉर्म में आ जाए ऑटोमेटिक हम डेसिमल हम क्या कर पुट कर, जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 के बाद डेसिमल आ जाएगा 1.6, इसका देखो इसका क्या 20 है, यानी राइट साइड से 2 के बाद मैंने डेसिमल दे दिया, देखो कितना ईजी है बिना डिवाइड किए हम लोग बता सकते हैं। इसका कितना 30 है, यानी लेकिन है हमारे पास 2 तो हम एक 0 देकर इसको 3 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम डेसिमल देंगे। क्लियर, समझ में आया? यानी अगर हमारे डिनोमेटर पर 10 के पावर एक्स के फॉर्म में हम लोग दिखा दें इजीली हम क्या कर सकते हैं इसका बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम डेसिमल एक्सटेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 करना पड़ेगा। 10 कब होता है, हम लोग ने पावर एंड एक्सपोनेंट जब पढ़े थे क्लास 9th में, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि a के रेज द पावर m इंटू b के रेज द पावर m, यानी पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, दैट टाइम वी मल्टीप्लाई द बोथ बेस, यानी बेस आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर वही रहेगा। क्लियर, तो बेस पावर में कोई चेंजिंग नहीं है लेकिन बेस क्या आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या 5 है, 5 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10, यानी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 2 के पावर क्या होगा, तो पावर सेम होना चाहिए तभी हम बेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 13 रेज द पावर 5 इंटू 2 रेज द पावर 5। अब बताओ आजकल के जमाने में कुछ चीज मुफ्त में मिलता है, नहीं मिलता है, तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैसे दे देंगे, जैसे हम देंगे हमको याद आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट तो देना नहीं, तो तुरंत हम उसे ले लेंगे भूल से भी दे दिए तो, यानी जो हम ऊपर दिए नीचे दे रहे हैं न्यूमरेटर प्लस पर उसी चीज को हम न्यूमरेटर प्लस पर ले लिए, क्यों, क्योंकि फिर आपस में ये कट हो जाएंगे तो बचेगा हमारा क्या 13/5, यानी कोई वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा ये करने से काम बन जा रहा है 2^5, यहाँ पर 2^5 हो गया। ठीक है भाई, जो मैंने डिनोमेटर प्लस पे दिया उसी चीज को मैं न्यूमेटर प्लस पे लिख दिया, ये दोनों कट हो जाएंगे फिर 1 मिल जाएगा, तो वैल्यू हमारा यही है सेम सेम रहेगा, लेकिन इतना करने से मैथ्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी 13 और 2^5, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 1, 2, 3, 4 and 5, और ये क्या हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई 5 × 10^5, कोई डाउट यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, क्या मिला 13 × 32 / 10^1, 2, 3, 4, 5, 50 मैंने दे दिया क्योंकि पावर क्या था 5 था, देखो कितना ईजी है बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए कैसे डेसिमल एक्सटेंशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 × 2 = 26, 6 2 कैरी ओवर, 13 × 3 = 39, और 39 × 2 = 41, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। अब यहाँ पे हम 50 है लेकिन ऊपर कितना है 3 नंबर है, 50 तो 5 के बाद डेसिमल आएगा, तो जितना नंबर कम पड़ता है उतना 0 देकर कंप्लीट करते हैं। अब देखो 5 हो गया और किसी नंबर के पहले 0 देने से उस नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, अब हम डेसिमल दे सकते हैं, क्यों, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 के बाद मैंने क्या कर दिया डेसिमल दे दिया, देखो तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए। उसके सिंपल से मेथड क्या था, पहले हमने डिनोमेटर का प्राइम फैक्टर किया तो इस फॉर्म में आया, फिर डिनोमेटर को हम किस फॉर्म में लिखना होता है 10^x के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में देने के लिए यानी 5 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो कब होता है, यानी हम लोग ने ये फार्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, रेज टू द पावर m इंटू b के रेज द पावर m, यानी दोनों का पावर सेम होना चाहिए, बेस डिफरेंट है उस कंडीशन में बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर वही कंडीशन है, मैंने दिया 2 दे दिया लेकिन दोनों का पावर क्या सेम रखा, यानी 5 × 2 क्या हो गया 10 हो गया, 10^5 है, यानी 1/50, और ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें इतना रिजल्ट मिला, उसके बाद जितना 0 है उतना डिजिट पर डेसिमल मैंने पुट कर दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर भी एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए
करा दे रहा हूँ, बाकी के आप खुद से करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले में से उसी क्वेश्चन को लेना है, उसी नंबर रेशनल नंबर को लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया हुआ है, जिसको हमने फाइंड आउट किया है कि वो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। सेम प्रोसीजर इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का होगा, क्या होगा, फाइव नाइन जा 45 और फाइव वन जा फाइव, फिर सेवन से नहीं, ये हमारा क्या नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग नंबर ये नहीं ले सकते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं हम, 15 अपॉन 1600 ले लेते हैं, ठीक है। यानी 1600 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 28 जा 16, 24 जा 8, 22 जा 4, 21 जा 2, 0 जा 0, 25 जा 10, 22 जा 4, 25 जा 10, 5, 5 जा 25, और 5, 1 जा 5, क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 2 की रेडी पावर कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 5 की रेडी पावर कितना, तो 2, क्लियर। यानी देखो हमारा डिनोमेटर इस फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेटिंग ही होगा। अब इसको मुझे ये बताना है क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे तो ये दोनों मिल गए लेकिन पावर सेम नहीं है, इसका पावर 6 इसका पावर 2 है, यानी कितना कम है, 4 कम है इसका, यानी 5 के पावर 4 इसको देना पड़ेगा। तो इसको दे कर फिर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कुछ देते नहीं है, दे कर हम ले लेंगे, क्या करेंगे उसके लिए, 15 अपॉन 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 जितना कम पड़ रहा है उतना हम देंगे, और ऊपर इंटू में करें फिर ले भी लेंगे, यानी फिर इससे ये कट हो जाएगा तो फिर हमारा क्या ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा, कोई डिफरेंस आया, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या हो, इतना करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या होगा, 15 और 4 5 के पावर 4 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स 5 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, 2 के पावर 6, और ये क्या बेस सेम हो और इंटू में तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 4 और 2 कितना हो जाएंगे, तो 5 के पावर 6 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट, अब ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 इंटू ये क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, और ये पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, इंटू में तो दोनों का बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 टू जा 10 और पावर सेम रहेगा, क्लियर। अब 15 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, 5 5 जा 25, सॉरी 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी ओवर, 15 टू जा 30 और 30 और 7 37 के 7 3 कैरी ओवर, 15 6 जा 90 और 3 93 अपॉन 6 जे पावर 10 के पावर 6 है 60, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। यहां तक कोई डाउट, 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी ओवर, 15 टू जा 30 और 7 37 का 7 3 कैरी ओवर, 15 6 जा 90 और 3 93। अब कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यानी 6 डिजिट के बाद जीरो आएंगे, लेकिन हमारे पास ऊपर क्या डिनोमिनेटर पर 4 ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, जीरो दे करके लेफ्ट साइड में 6 डिजिट मैंने कर लिया। अब हम 6 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल पुट कर देंगे, यानी हमें पता चल गया कि 15 अपॉन 1600 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.009375 होगा। देखो कितना इजी है कि नहीं। तो ऐसे ही बाकी का क्वेश्चन, यानी फर्स्ट में जिसके जिसके डेसिमल एक्सपेंशन हमने टर्मिनेटिंग फाइंड आउट किया है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किए हुए हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ इस वीडियोज़ के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक आप सभी विद्यार्थी मित्रों का जय श्री स्वामीनारायण।